आयोजक का शुभारंभ करते हुए जोड़ा है। माननीय सम्राट चौधरी जी का और मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री खजान मुस्तफा साहब वाइस चांसलर एलयू पटना और उनके साथ जितने भी हमारे प्रशासन गेस्ट यहाँ पर हैं, मैं सभी का प्रभारी प्रभात खबर प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 का आयोजन पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया जा रहा है। इस सम्मान समारोह में प्रभात खबर ने बच्चों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया, इससे बच्चों को और बेहतर करने का भी हौसला मिला। इस खास मौके पर प्रभात खबर के प्रधान संपादक आशुतोष चतुर्वेदी और वाइस प्रेसिडेंट विजय बहादुर ने बच्चों और अभिभावकों को संबोधित किया। तो ये ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी का एडिक्शन या मोबाइल का एडिक्शन चलो बच्चों में बड़ों में भी नहीं है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो अगर मैं ऑफिस में मोबाइल भूल जाऊं तो मुझे बेचैनी होने लगे। युवा सम्मान कार्यक्रम प्रभात खबर का सबसे फ्लैगशिप इवेंट है। ये कार्यक्रम हम लोग झारखंड बिहार और बंगाल के 80 जिलों में करते हैं और लगभग हर साल लगभग 50,000 बच्चों को के सम्मान का कार्यक्रम होता है। 10th और 12th के जो मेरिटोरियस बच्चे हैं जिनको 90% से ऊपर मार्क्स आता है उसके सम्मान का कार्यक्रम हर वर्ष हम लोग विभिन्न जिलों में करते हैं और उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम पटना में है। आप देखेंगे कि हॉल में लगभग 3,000 बच्चे और उनके परिवार के सदस्य गुरुजन मौजूद हैं और ये प्रभात खबर का बहुत ही फ्लैगशिप इवेंट है जिसको करके प्रभात खबर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है क्योंकि न हम सिर्फ प्रतिभा का सम्मान करते हैं बल्कि समाज में भी एक मैसेज कन्वे होता है कि जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको एक उनकी पहली जो सीढ़ी है वहाँ एक सम्मान होने से उनको और जीवन में बेहतर करने का की प्रेरणा मिलती है। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।